नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं बी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि जो आपकी मोटर ज़्यादा एम्पियर लेती है तो उसका काफ़ी रीज़न तो होते हैं, लेकिन एक ऐसा रीज़न भी होता है जो रिवर्स में भी आपकी मोटर ज़्यादा एम्पियर ले लेती है, यानी कि मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट करते ही ये 60 एम्पियर के आसपास चला जाता है, यानी कि मोटर हमारी यहाँ पर रिवर्स चल रही है। और रिवर्स में दोस्तों कैसे क्या होता है कि हमारा जो बिजली विभाग होता है वहाँ से हमारी जो लाइन आती है वो लाइन दोस्तों चेंज कर दी जाती है, तो हमारी मोटर वहाँ से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं ये दो वायर मोटर के हैं और ये है दोस्तों दो ब्लैक और एक रेड, यानी कि ये है मेन लाइन हमारी L1 L2 L3। ठीक है, इसको मैं जो रेड और जो ब्लैक है जो टेप किया हुआ है इसको मैं चेंज कर देना है। ठीक है, फ्यूज हटा के चेंज किया और अब मैं फ्यूज लगा देता हूँ यहाँ पर। तो फ्यूज लगाने के बाद में जैसे मैं मोटर को यहाँ पर रनिंग करूँगा तो आपको ये बताऊंगा कि एम्पियर में क्या शो करता है और क्या नहीं करता। तो एक बार यहाँ पे फ्यूज हम लगा लेते हैं और फ्यूज लगाने के बाद में इसको हम अच्छे से चेक करेंगे कि हमने इसमें क्या इसमें देखा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रीज़न होते हैं मोटर का कोई फेस नहीं जाना, ऐसा बहुत सारे रीज़न हैं जो आपको मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार में चलाया तो 30 या 32 एम्पियर के आसपास और डेल्टा में ही इसको कन्वर्ट करते हैं तो 5-7 एम्पियर और बढ़ जाता है। ठीक है, जैसा कि कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑयल का भी जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका भी यहाँ पे दिक्कत होता है, इसके भी बहुत से हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर बिल्कुल अब प्रॉपर हमारी मोटर यहाँ से अच्छे से रनिंग कर रहा है। तो इसमें हमने क्या चीज़ चेंज किया था वो देख लीजिए अब आप L1 L2 L3 में जो वायर है वो मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो वो कौन कौन से चेंज किया है वो आपको यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि चेंजिंग में मैंने दोस्तों ये रेड वायर है जो इस तरफ चेंज कर दिया है। देखिए अब देख लीजिए आप अच्छे से, ये दो ब्लैक तार है उस तरफ चेंज कर दिया, इस तरफ ले लिया लाल रेड वायर। ये वायर यहाँ पे था और ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर दिए तो हमारा मोटर अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।